नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज। और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बता दें आपको ये कि भारत में दूसरी लहर अमेरिका से ज्यादा मारक साबित हो रही है और देश में बुधवार को 24 घंटे के भीतर 2.94 लाख मरीज मिले हैं और हर दिन देश में 20 से 30 हजार नए मरीज जुड़ रहे हैं। और ऐसे में संभावना है कि अगले 1-2 दिन में ही भारत में हर दिन 3 लाख से ज्यादा मरीज मिलने लगेंगे। दूसरी लहर के दौरान अमेरिका में ऐसी स्थिति सिर्फ एक बार आई जब 1 दिन के भीतर 3 लाख मरीज मिले हैं। जी हां, आपको बता दें कि इस बीच बुधवार को दिल्ली में कोविड-19 के 24,638 मामलों की पुष्टि हुई और दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से 249 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केंद्र पर गंभीर सवाल उठाए। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज कर रहे दिल्ली के उन अस्पतालों को फौरन किसी भी तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए जो इस गैस की कमी से जूझ रहे हैं। उधर महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना वायरस के मामलों के बीच बेलगाम होने के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने पाबंदियां बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से 1 मई तक लॉकडाउन रहेगा और ये आदेश 1 मई तक लागू रहेगा। और आपको बता दें कि जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सरकारी ऑफिस सिर्फ 15% कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ ही चलेंगे और यह पहले 50% था। कोविड-19 मैनेजमेंट वाली संस्थाओं को इस मामले में छूट रहेगी। दिल्ली में जिस तरह से तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं और इस स्ट्रेन में लोगों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है, तो ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन सेंट्रल ने दे रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है हर एक राज्य का, तो पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। हमने पिछले 1 हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, मरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और आज हमारे साथ स्थिति यह है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की, 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है और इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में करीब 16-17 हज़ार मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। और अगर अगले 10 घंटे में, 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो हॉस्पिटल्स मरीजों का इलाज कैसे करेंगे, क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन लगाना सबसे बड़ा ट्रीटमेंट साबित हुआ है। वैसे में उन मरीजों की जान पे बनाएगी, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि रात बहुत लंबी है और इसमें सब कुछ किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो तुरंत ऑक्सीजन का कोटा दिल्ली का बढ़ाए और ऑक्सीजन लगातार सप्लाई हो। मैं कुछ पीपल्स पेशेंट्स, कोरोना के पॉजिटिव टेस्ट तो लोगों के पेशेंट्स के हो ही नहीं रहे, लेकिन लोगों की सब्र का इम्तिहान ये सरकार ले रही है। मोदी जी की सरकार के लिए लोगों की जान से कीमती मुनाफा है और मुनाफा चाहे वो वैक्सीन की कंपनीज को देना चाहते हैं, चाहे वो दूसरे और लोगों को देना चाहते हैं, उसकी भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। देश के लोगों के लिए कोई रहमदिली नहीं और अपने खास लोगों के लिए पूरी दरिया दिली है मोदी जी के मन में, ऐसा जान पड़ता है। मोदी जी वोट के लिए जनता से तो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और जब मतलब निकल जाता है तो पल्ला झाड़ लेते हैं। यह पूरे के पूरे इस घटनाक्रम का, पूरा उनकी उनके अभिभाषण का और जो हालात अभी देश के चल रहे हैं उसका पूरा का पूरा यह हम लोग इसके बारे में ऐसा कहना चाहते हैं। राज्य सरकारें कुछ कर लें, कुछ निजी कंपनियां कर लें, कुछ बाल मित्र कर लें, कुछ एनजीओ कर लें और मोदी जी केवल भाषण करें। यही कल पूरी की पूरी इनके 18 मिनट के भाषण का केवल एक यही लबोलाब निकलता है। पूरी तरीके से दिशाहीन भाषण था, बिना हमदर्दी किसी गरीब के लिए, किसी पीड़ित के लिए कहीं पर भी नजर नहीं आता है। मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि 14 मार्च 2020 को पैंडेमिक को नेशनल डिजास्टर घोषित किया गया एनडीएमए के तहत और 10 दिन के बाद में हमारे देश में, पूरे विश्व में लगभग सबसे कड़ा लॉकडाउन हमारे देश के अंदर लागू किया गया। क्या हालात थे सब आपके सामने है, लेकिन सरकार ने कहा कि हम हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, इसके लिए लॉकडाउन कर रहे हैं और ये हम लोग ये टाइम का इस्तेमाल हम लोग इसके लिए करेंगे। तो अब 13 महीने गुजर जाने के बाद में समय आ गया है कि हम विश्लेषण करें
कि इन 13 महीने में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल हुआ है और किस तरीके से बढ़ाया गया। लेकिन सबसे पहले जो लोग हमेशा 70 साल और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया उसको उसकी बातें करते हैं, तो सबसे पहले शुरू में बहुत संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगा, 1948 में जब टीबी की महामारी शुरू हुई तो जवाहरलाल नेहरू जी ने वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सबसे पहले चेन्नई के अंदर स्थापित किया। उसके बाद इंदिरा जी ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन करके ड्राइव करके स्मॉल पॉक्स को भारत से पूरी तरीके से बाहर निकाला। 1971 के अंदर देश में 19 वैक्सीन निर्माता थे। 1948 में पहला जवाहरलाल नेहरू जी ने चेन्नई के अंदर स्थापित किया, 1971 आते आते 19 वैक्सीन निर्माता हो गए। 1978 में भारत विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चलाने वाला देश बन गया। हम लोगों ने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी इंदिरा जी ने शुरू किया और हमारे अपने देश के अंदर बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और टाइफॉइड पैराटाइफॉइड वैक्सीन हमारे देश के अंदर बनाते थे और पूरी दुनिया के अंदर हम लोग वैक्सीन बनाने के लीडर बन गए। तो सीधा महाराष्ट्र की तरफ रुख कर लेते हैं जहां पर हमारे साथ संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, अब ऐलान हो गया है लॉकडाउन को लेकर, क्या क्या छूट दी गई है इसी दौरान और लोगों का क्या कुछ कहना है? ठीक करिश्मा, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना बेकाबू है उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार पहले भी कह रही थी कि अगर लोग इस पर संज्ञान नहीं लेंगे तो जाहिर तौर पर मुंबई में कड़े लॉकडाउन लगाए जा सकते हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने कड़े लॉकडाउन के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में आज देर रात 8 बजे से लेकर 1 मई तक कड़े लॉकडाउन लगाए गए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने गुजारिश की है कि इसके बावजूद भी लोग संयम बरते और जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन जारी की उसका पालन करें, अन्यथा और भी लोगों को भुगतान हो सकता है। जिस तरह से महाराष्ट्र में मौत के आंकड़े 506 के आसपास आए, उसके बाद मुंबई में आंकड़े जो है 62 के आसपास आए, वो कहीं कहीं महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ाने वाले हैं। ऐसे में बताया गया है कि मुंबई के बाहर जाने वालों के लिए किसी तरह की कोई जो है परमिशन नहीं रहेगी। अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से आपको परमिशन लेनी होगी। वही सरकारी दफ्तरों में सिर्फ महज 15% लोगों को ही उपस्थित रहने की अनुमति होगी, लेकिन मुंबई की लोकल ट्रेनें, जिस तरह से बताया गया कि मुंबई की लोकल ट्रेनें आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, सिर्फ अत्यावश्यक सेवा से जुड़े लोग ही सफर कर सकते हैं। बसों की बात करें तो बसों में 50% के साथ साथ सिर्फ सिटिंग लोग ही जो सफर कर पाएंगे। ऐसे में खड़े होकर अगर यात्रा करते हैं तो 10,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि मुंबई से बाहर आने के लिए अगर कोई बाहर से आता है तो उनको क्वारंटीन किया जाएगा 14 दिन के लिए। अगर इस तरह की जानकारी छुपाते हैं या जानकारी नहीं बताते हैं तो जाहिर तौर पर उनको 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरह की कड़क लॉकडाउन के संकेत महाराष्ट्र सरकार ने दिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो जिस तरीके से हमारे साथ संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में अब लॉकडाउन आज से लग जाएगा, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय में लॉकडाउन लग सकता है, जो फाइनली आज से ये लागू हो जाएगा। तो नहीं, लेकिन जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, लोग अभी भी इसको लेकर सीरियस नहीं नजर आ रहे हैं, अलर्ट नहीं है, जागरूक नहीं है, तभी आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और ऐसे रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना की महामारी के इलाज में अस्पताल ही बीमार हो चुके हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से लेकर देश के तमाम शहरों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत चल रही है। इसी बीच ऑक्सीजन के धंधेबाज चांदी काट रहे, जिस ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग 300 रुपए में होती है उसके लिए 1,500 रुपए वसूले जा रहे हैं और ये सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और भारत में दूसरी लहर अमेरिका से ज्यादा मारक साबित हो रही है और देश में बुधवार को 24 घंटे के भीतर 2.94 लाख मरीज मिले हैं और हर दिन देश में 20,000 से 30,000 नए मरीज जुड़ रहे हैं। ऐसे में संभावना यह है कि अगले 1-2 दिन में ही भारत में हर दिन 3 लाख से अधिक मरीज मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर सरबजीत थापर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। तो सर, जिस तरीके से अब हालात जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तमाम जगह पर अब लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है, क्या लगता है कि लॉकडाउन एक
एक ऐसा विकल्प बचा है जो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कुछ असर देखने को मिलेगा, कुछ निजात मिलेगी इससे? जी, जो हमारे यहाँ कोरोना का जैसे प्रकोप बढ़ रहा है उसको देखते हुए लगता है कि ज्यादा लोग ज्यादा जागरूक नहीं है और कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए व्यवस्था सरकार द्वारा बहुत अच्छी बनाई गई है, सब जगह ऑक्सीजन सप्लाई, सब जगह इनके लिए व्यवस्थाएं, हॉस्पिटल जितने भी हैं सब के अंदर मतलब व्यवस्था कर दी गई है और हर जगह प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमने उससे ले लिया, अक्वायर कर लिए हैं ताकि इस कोरोना को बढ़ती हुई सावधानी से रोका जा सके। जो भी पेशेंट हमारे पास हैं उन सबको ऑक्सीजन के अरेंजमेंट, उसके ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट, अभी जो इंजेक्शन रेमडेसिविर की भी बात चल रही थी पीछे कि ये कम हो गया, सरकार ने उसके ऊपर भी कर पाया है कि उसकी कीमत के ऊपर कर पाओ और उसको सप्लाई लगातार जारी रहे। तो सर अगर बात ऑक्सीजन को लेकर करें और दवाइयों को लेकर करें, वैक्सीन को लेकर करें, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तमाम जगह पर तमाम हॉस्पिटल में वैक्सीन की कमी हो चुकी है और ऑक्सीजन की भारी कमी हो चुकी है, तो इस तरीके से अब आपके सामने दोहरी चुनौतियां हैं, तो इस चुनौती के साथ आप किस तरीके से सामना करेंगे आने वाले समय में? जी, सभी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई पूरी जारी है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकारों की तरफ से, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसके ऊपर नियंत्रण रखते हुए कि इसके कालाबाजारी ना हो उसकी सप्लाई पूरी जारी कर दी गई है और इंजेक्शन जो है, दवाइयां जो है उनके ऊपर भी सरकार ने खुद अपना नियंत्रण किया है कि खुद अपने हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कालाबाजारी रोकी जाए। इससे काफी अच्छे राहत मिलेगी मरीजों को और मरीजों को अच्छा फायदा मिलेगा कि उनके लिए दवाइयां मुहैया हो जाएंगी। तो सर अगर आपसे ये पूछा जाए कि जिस तरीके से हालात है आप देख रहे हैं और हॉस्पिटल में कितनी भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है, यहाँ पर बेड्स की कमी हो चुकी है, दवाइयाँ नहीं है, क्या लगता है केंद्र सरकार इसको लेकर सीरियस है? जी जी बिल्कुल सर, ऐसा है जो सरकार के जो बेड भरे हुए हैं, हॉस्पिटल के बेड भरे हुए हैं, जो काम चल रहा है, जो पेशेंट है वो तो आएंगे। मान लो हमारे हॉस्पिटल कैपेसिटी 50 बेड की है, पेशेंट आ गए तो कोई बात नहीं, उसके हम एक्सटेंशन कर देते हैं, उसको एक्सटेंशन करके कहीं और एक्सटेंड कर लेंगे और सरकार की तरफ से पूरी मदद मिल रही है, सरकार की तरफ से जो ऑक्सीजन सप्लाई है या जो मेडिसिन है उनकी तरफ से पूरी मदद मिल रही है और जो बेड कमी है, जैसे पेशेंट तो बढ़ेंगे, जैसे पेशेंट बढ़ गया 50 बेड का हॉस्पिटल है उससे मरीज हमें रखना है तो हम उससे एक्सटेंड कर देते हैं, कहीं और ऐड कर लेते हैं, बेड और ऐड हो रहे हैं, और जगह कहीं नए हॉस्पिटल बनाने हैं, नहीं कोई प्रोविजनली कोई मतलब टेम्परेरी अरेंजमेंट करना है तो उसका भी किया जा रहा है। सर पहले जो 2020 में एक स्टार्टिंग में हुआ था जो कोरोना अपना प्रकोप रूप दिखाने लग गया था, उसके बाद ही केंद्र सरकार ने जगह अपने ऐलान कर दिया था कि अगर कोई भी, अगर कहीं भी किसी घर में भी अगर पॉजिटिव बंदा मिलता है तो उसको सैनिटाइज किया जाएगा, लेकिन क्या लगता है अभी ऐसे सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है और ऐसे और लगातार हर घर में अब तो केसेस ऐसे लगातार बढ़ने शुरू हो चुके हैं जो हर घर में अब एक पॉजिटिव केस मिलना शुरू हो चुका है, क्या लगता है वैसी प्रक्रिया दोबारा नहीं होनी चाहिए? ये जो हर घर में पॉजिटिव मिल रहा है, हमें तो सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, ये सारी चीज कर दे, सैनिटाइजेशन जहां तक बात है, सैनिटाइजेशन यदि पूरे ही एरिया में करवाया जाए तो एक बेनिफिशियरी होता है, पर सैनिटाइजेशन का इस जो नया स्ट्रेन आया है इसमें ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, इसमें तो यह है कि लोग जागरूक हो जाएं और मास्क पहने और दूरी बनाकर रखें, यही एक बात है। इसकी जो नया स्ट्रेन में जो हमारे पास आया है, डायरिया की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, बॉडी एक की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, आंखों में जलन, खुजली, दस्त, इन चीजों से रिप्रेजेंट हो रहा है, पहले जो था स्ट्रेन सिर्फ खांसी जुकाम बुखार तक था, ये स्ट्रेन म्यूटेट होकर चेंज होकर आया है, तो इसके अंदर हमें सिर्फ बचाव ही करना है, एक मास्क पहनना है और बार बार साबुन से हाथ धोएं और अपने दूरी बना के रखें, यही एक जरूरी है। लेकिन सर अब इसी के चलते पहले तो जो पहले पिछले साल में कोरोना के केस में बढ़ोतरी तो हो रही थी लेकिन मौतों का आंकड़ा थोड़ा कम था और इस बार जो लहर आई है वो काफी खतरनाक बताई जा रही है आपकी तरफ से, और मौतों के आंकड़े में इतनी जल्दी इजाफा क्यों हो रहा है, क्यों इतने लोगों की मौतें हो रही है? ये जो स्ट्रेन जो नहीं आई है इसमें ज्यादा खतरनाक है, एक्चुअली जो पहले वाली स्ट्रेन थी उसमें कोमोर्बिडिटी थी, मतलब जैसे किसी को कोई शुगर है, हाइपरटेंशन है या कोई क्रोनिक डिजीज है उसके साथ है तो उसकी डेथ होती थी, इसमें ऐसा कम है, क्रोनिक डिजीज या हाइपरटेंशन के साथ तो है बट इसमें सीवियरिटी ज्यादा है, ये म्यूटेट होकर आई है, म्यूटेशन हो जाती है वायरस की, तो दूसरी स्ट्रेन आई है इसके अंदर सीवियरिटी ज्यादा है, इसकी फैलाव भी बहुत ज्यादा जल्दी से हो रहा है, इस वजह से इसके अंदर सीवियरिटी ज्यादा होने की वजह से इसमें डेथ ज्यादा है, सिर्फ बचाव ही करना है, अपना मास्क पहन के और अपना सोशल दूरी रख के ही अपने आपको बचाव कर सकते हैं। सर आप मानते हैं कि वैक्सीन की कमी हो गई है? जी नहीं, कमी नहीं है सर, वैक्सीन तो लगातार आ रही है,
यदि मान लो एक जगह हमने 1 लाख वैक्सीन लगानी है तो 100 के हिसाब से जैसे एज पहले 60 थी फिर 45 to 60 कर दी, तो इस तरह से जो स्टॉक आता जा रहा है उसके हिसाब से काम होता जा रहा है। जितना एक्चुअली हमारे पास जो रखने का स्टॉक है उसके हिसाब से स्टॉक लाते हैं और इंजेक्शन लग जाते हैं। यदि मान लो हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया अगले दिन नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे आ जाता है स्टॉक, इसकी कमी नहीं है। जो भी हम सरकार से डिमांड करते हैं उसका विद इन 24 आवर और 48 आवर आ जाते हैं। तो सर अगर जिस तरीके से अभी ऐलान कर दिया गया है कि अब 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी, क्या लगता है इसमें कुछ नियम लागू किए गए हैं या अपने तरीके से ही वैक्सीन लगाई जा सकती है? जिस तरीके से यह भी बताया जा रहा है कि 2 वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, या मरीजों के हिसाब से एक चूज किया जाता है ये वैक्सीन, या आप अपनी मर्जी से लगाते हैं? नहीं सर, जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से लगाया जाता है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि एज वाले को इतना लगेगी, एज वाले को कोवैक्सीन, एज वाले को कोविशील्ड, ऐसा नहीं है। जो भी पेशेंट आता है यदि वहाँ पर कोवैक्सीन पड़ी है कोवैक्सीन लगाई जाती है, और दोनों ही वैक्सीन बड़ी अच्छी है और बहुत अच्छी प्रभावी है, इफेक्टिव है। जो कोविशील्ड लगाई जाती है, यदि कोविशील्ड जिसको फर्स्ट डोज लगेगी उसको सेकंड डोज भी कोविशील्ड ही लगेगी, जिसको फर्स्ट डोज कोविशील्ड कोवैक्सीन लगेगी उसको सेकंड डोज भी कोवैक्सीन ही लगेगी। तो इस तरह से हम चेंज कर लेते हैं, जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें लिख लेते हैं फर्स्ट डोज का, उसी के अंदर जब सेकंड डोज का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है दोबारा इंजेक्शन लगाया जाता है तो पता लग जाता है उससे पहले कौन सी लगी थी, वही इंजेक्शन लगाते हैं जी। तो सर अब आप बता सकते हैं कि अब इस बीमारी से कैसे निजात मिल पाए, क्योंकि जिस तरीके से अब मास्क नहीं लगा रहे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, अब हालांकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी बहुत स्पीड से चल रही है, अब कितनी जल्दी से अब इससे निजात मिल पाएगी? जी सर, यदि लोग सभी जागरूक हो जाए हिंदुस्तान में, सभी लोग मास्क पहने और कोई भी आदमी मास्क बिना ना रहे, कोई भी आदमी घर से बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले, कोई भी आदमी चाहे गाड़ी में है, जैसे कि अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेटिंग आई है, हाईकोर्ट की वेटिंग आई है, कि कोई भी आदमी कहीं भी कैसे भी यदि अकेला भी गाड़ी में तो भी मास्क पहन के रहे, यदि मास्क पहनेंगे सारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, और यदि कोई जरूरत का काम है, जब कोई जरूरत है तभी घर से निकले, अन्यथा घर से अननेसेसरी बाहर ना निकले तो इस बीमारी को कहीं हद तक काबू पे आ जा सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत जी अपनी राय रखने के लिए हम चर्चा के लिए। तो इसी मुद्दे में हमारे साथ एक और संवाददाता जुड़ गए हैं दिल्ली से, दिल्ली की तरफ सीधा रुख करेंगे और वहां के हालातों की जानकारी लेना चाहेंगे। राजीव तिवारी, क्या है मौजूदा स्थिति, क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन की भारी कमी बताई जा रही है, और वहां की अगर उप मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि हमारे पास जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। देखिए बिल्कुल सर, जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर लगातार पिछले 24 घंटे के अंदर 28,000 से ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं और कहीं ना कहीं चौंकाने वाली स्थिति बिल्कुल बनी हुई है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार ने पहले ऑक्सीजन की सप्लाई भेजी थी और कहीं ना कहीं वो सप्लाई जो है वो आज कम पड़ती नजर आ रही है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी के जो मुख्य उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी इस पर केंद्र सरकार से अपील की कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो लगातार और ज्यादा बढ़ाई जा सके, क्योंकि दुगनी रफ्तार से जो मरीज है वो अस्पतालों की तरह आ रहे हैं और अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। खासतौर पर बात करें कालाबाजारी की, तो कालाबाजारी बिल्कुल होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन आई थी तो वो ऑक्सीजन अस्पतालों के अलावा कहाँ चली गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो योजना थी कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन सभी अस्पतालों के अंदर उपलब्ध कराएगी, सभी मरीजों के लिए उपलब्ध कराएगी, मगर अभी भी मरीज परेशान होते नजर आ रहे हैं और अस्पताल साफ साफ शब्दों के अंदर बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर अपना लेके आइए तो ही मरीज को अंदर अस्पताल के अंदर भर्ती किया जाएगा, मगर ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी ये सबसे बड़ा सवाल है, और ऑक्सीजन आई थी तो गई कहाँ पे ये सबसे दूसरा सवाल है, मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर कालाबाजारी बिल्कुल हो रही है और अस्पतालों के अंदर ही मिली भगत से इस तरीके के काम चल रहे हैं। मगर जिस तरीके बात करें दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जहां भी कालाबाजारी हो रही है उसके ऊपर रेड की जाए और उनके कार्रवाई की जाए, मगर दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियों से भी अपनी जेब से खरीद कर भी ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं अस्पतालों के अंदर। जी राजीव तिवारी, अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब ऑक्सीजन की धांधलीबाजी की जा रही है, क्या दिल्ली सरकार के तरफ से ऐसे कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए कि एक तरफ तो ये कह रही है कि केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि ऑक्सीजन सप्लाई की जाए, हमारे पास सब ऑक्सीजन की भारी कमी है, लेकिन दूसरी तरफ धांधलीबाजी की जा रही है ऐसे लोगों की तरफ से जो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन क्या इंतजाम नहीं किए जा सकते ऐसे लोगों की तरफ से? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर एक चीज समझ में, दिल्ली सरकार की कहीं ना कहीं सख्ती से पालन कराने की जो नीति थी वो कहीं ना कहीं विफल हो गई,
क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर कालाबाजी की जा रही है, खासतौर पर प्राइवेट अस्पतालों के अंदर, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों के अंदर मरीज को नहीं लिया जा रहा है और साफ साफ कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आइए, ऑक्सीजन लेके आइए, तो ऑक्सीजन नॉर्मल इंसान कहां से लेके आएगा उसको यही नहीं पता कि ऑक्सीजन कहां मिलती है, ऑक्सीजन कितने की मिलेगी, कहां से लेके आनी है, और मरीज के लिए कहीं ना कहीं उससे जान बचाना बहुत मुश्किल है। मगर बात करें जिस तरीके कालाबाजारी की जो रोकथाम होनी चाहिए थी उसके अंदर दिल्ली सरकार बिल्कुल विफल हो गई, और कहीं ना कहीं जो कालाबाजारी की जा रही है उससे कहीं ना कहीं जो मुनाफा कमाने वाले लोग हैं उनका कहीं ना कहीं मुनाफा होता नजर आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं जीवन को जान पर रखकर हाथ में रखकर और कहीं ना कहीं इस तरीके से मुनाफा कमाया जा रहा है तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल खराब है। मगर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार से गुहार लगाने की, केंद्र सरकार से बिल्कुल गुहार लगाई जा चुकी है दिल्ली सरकार के द्वारा, और दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि केंद्र सरकार उनको ऑक्सीजन की सप्लाई और ज्यादा मुहैया कराए, मगर कहीं ना कहीं हालात को संभालने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को सख्ती से पालन करना होगा, और हर अस्पताल के अंदर चाहे वो प्राइवेट अस्पताल है या सरकारी अस्पताल है उनके अंदर चेक करना होगा कि हर तरीके से कि ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, कितने व्यक्तियों को मिल रही है, उसका एक डाटा बनाना चाहिए और डाटे के हिसाब से ही चेक करना चाहिए कि मरीजों तक कितनी ऑक्सीजन आई और कितनी इस्तेमाल हुई, और जो कालाबाजारी हो रही है उसके ऊपर भी कड़ी से सख्ती से पालन किया जा सके। जी तो राजीव, अब मिनी लॉकडाउन का जो ऐलान किया हुआ है कुछ असर देखने को मिल रहा है बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर? देखिए बिल्कुल सर, मिनी जो लॉकडाउन की बात करें तो मिनी लॉकडाउन से कहीं ना कहीं फर्क जरूर पड़ा है, क्योंकि मार्केटें बंद है, बाजार बंद है, और कहीं ना कहीं व्यापारी भी नहीं है, दुकानदार भी नहीं है, तो उससे साफ जाहिर है कोरोना की रफ्तार होनी चाहिए थी वो कम जरूर होनी चाहिए थी, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के अभी जो आंकड़े बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर 28,000 से ज्यादा के आंकड़े कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। मगर बात करें जिस तरीके से कालाबाजारी की या फिर कहें वैक्सीन की, तो वैक्सीन जरूर 1 तारीख से यानी कि 1 मई से उपलब्ध कराई जाएगी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए, मगर वैक्सीन की जो प्रक्रिया थी उसमें भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने देरी करी, क्योंकि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए पहले ही वैक्सीन उपलब्ध करानी भी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं जो आंकड़े बढ़े उसका कारण ये भी है कि वैक्सीन लेट आई है, और कहीं ना कहीं 45 साल से ऊपर के लोगों को जरूर दी जा रही है, मगर 45 साल से नीचे के लोगों के लिए भी दिल्ली सरकार निरंतर केंद्र सरकार से अपील कर रही थी, मगर वो अपील कहीं ना कहीं इतनी जल्दी साबित नहीं हुई, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने जब संज्ञान लिया है और 1 तारीख से यानी कि 1 मई से वैक्सीन दी जाएगी 18 साल से ऊपर के लिए, मगर अभी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं संभालने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को मिलकर चलना होगा, और अस्पतालों के अंदर सबसे पहले अस्पतालों के अंदर चेक करना होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ जा रहे हैं, गैस कहाँ जा रही है, उसकी कालाबाजारी रोकनी होगी, नहीं तो इसी तरीके से मरीज परेशान होते रहेंगे, उनके परिजन परेशान होते रहेंगे और अस्पतालों के अंदर भीड़ बढ़ती रहेगी। जी तो राजीव तिवारी, अगर विपक्ष पार्टियों की बात करें तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन सामने आ रहा है, क्योंकि जब से कोरोना सामने आया है और लोगों के जैसे हालात भी खराब होते नजर आ रहे हैं, मौतों के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, और दूसरी तरफ से विपक्ष पार्टी अब केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पीछे भी नहीं हट रही है। उन्होंने कहा है कि जो व्यवस्थाएं की जा रही है हॉस्पिटल में, वैक्सीन की कमी आ चुकी है और ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स की कमी है, दवा नहीं है, और इस तरीके से हालात और खराब होते नजर आ रहे हैं, खोखलाबाजी बताई है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें विपक्ष की, यानी कांग्रेस पार्टी लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि राज्य सरकारों को भी घेरा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं सुविधाएं जो होनी चाहिए थी, यानी कि इतना लंबा समय होने के बावजूद भी और इससे मिनी लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी स्थिति संभल नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की कार्रवाई होनी चाहिए थी उसके अंदर कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। और बात करें जिस तरीके से अस्पतालों की, तो अस्पतालों के अंदर वैक्सीन कहें या फिर कहें ऑक्सीजन कहें, दोनों चीजों की कमी हो रही है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर कहीं ना कहीं सख्ती से पालन कराने की जो बात थी उसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।